तो बेटा फेडरल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और अभी इसका एडमिशन चल भी रहे हैं। यहाँ से एडमिशन का क्राइटेरिया है मॉर्निंग जैसे कि 2021। अब ये अप्लाई आपको करना है ऑनलाइन, तो यहाँ से आप कर सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ आपने क्लिक कर दिया। अब ये पोर्टल खुलता है, यहाँ आपने अपना नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, फिर पासवर्ड कंफर्म, यहाँ से दोगी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और अगर आप रजिस्टर हो तो फिर यहाँ डायरेक्ट मोबाइल नंबर और पासवर्ड लिख देना। अब नाम तो भाई कुछ भी लिख दो, मसला नहीं है, मोबाइल नंबर एहतियातन कोई ना कोई लिख लो, क्योंकि हो सकता है वो पासवर्ड भेजें। मैंने यहाँ कुछ भी लिख दिया, तुम लोग तो खैर अपना असली लिखना। मैं भी थोड़ा सा ही, कुछ ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा नाम, इतना ही सही है। और यहाँ देखिए रीटाइप कर लें जो भी पासवर्ड है, पासवर्ड भाई जो ऐसा हो जो याद रहे आपको, वरना कहीं लिख लीजिए। ठीक है जी, अब ये आ रहा है पासवर्ड सेव कर लें तो जी कर लीजिए। ठीक है, लॉग इन है ऑलरेडी, जो कि मैंने लॉग किया हुआ है, तो मुझे डायरेक्ट यहाँ ये एडअप करना होगा। अब ये देखें, बिलो द लिंक टू कॉपी फॉर एडमिशन 2021 मॉर्निंग अप्लाई फॉर एडमिशंस, यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। और अब ये सारी चीज़ें क्या क्या कह रहे हैं, अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ठीक है, नेम जैसा कि मैंने ऑलरेडी अमीन एजुकेशन लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, जेंडर, पोस्टल कोड, पोस्टल एड्रेस, गार्जियन नेम, रिलेशन विद गार्जियन। देखो अभी तक टेस्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है, हो जाएगी। मोबाइल डेट, पोस्टल, अब ये देखो मैट्रिक बोर्ड कब किया, एयर पासिंग, सिलेक्ट ग्रुप साइंस था या आर्ट्स था, सीट नंबर, मार्क्स ऑफ 10, टोटल मार्क्स। सीट नंबर जो आपका रोल नंबर होता है मैट्रिक का, और ये बोर्ड इंटरमीडिएट का है, यहाँ हमने पासिंग ईयर, सिलेक्ट ग्रुप, रीजनिंग, मेजिकल, ये जगह, फिर देखिए केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, वो सारे बता दीजिए। ये हो गया, और अगर आपने इंटर किया हुआ तो बस ये दो काफ़ी है मैट्रिक इंटर। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन वाले हैं तो यहाँ आपने अपनी ग्रेजुएशन भी सिलेक्ट करनी है यूनिवर्सिटी का है। फिर उसके बाद देखो यहाँ आपने प्रोग्राम चूज़ करने हैं, जैसे कि आपके पास ये बैचलर है, ठीक है जी, और किसके लिए आप सेल्फ के लिए अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ फैकल्टी वाइज जो भी आपके 5 डिपार्टमेंट हैं वो आपने लिखने हैं। अब देखो अगर साइंस फैकल्टी है तो ऑब्वियस सी बात है साइंस फैकल्टी जो है वो कौन से कैंपस में, गुलशन कैंपस में। आर्ट्स फैकल्टी है तो अब्दुल्ला कैंपस में, ये डिसिप्लिन और कैंपस वगैरह आ रहा है, ठीक है। सो उसके बाद जो भी चीज़ें इसको सेव कर दीजिएगा, याद रहे सेव तब करें जब आप श्योर हो, क्योंकि चेंज इसमें नहीं होती है। तो ये है बस इसका प्रोसेस।